शुक्रिया मुजीबुल्लाह जफारी साहब। हमारे अगले स्पीकर हैं मोहम्मद इम्तियाज कंदक साहब। ये ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल से हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल एक एनजीओ है। ये कई काम करती है, लेकिन उसमें एक जो मेजर काम इन लोगों ने किया है, मस्जिद वन मूवमेंट स्टार्ट किया है। इन लोगों ने मस्जिद सभी मस्जिदों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, ताकि कम्युनिटी में जो भी काम हो रहा है वो थोड़ा कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट हो। उसके बारे में बताने के लिए अब आएंगे मोहम्मद इम्तियाज कंदक साहब। उनका टॉपिक है वाइडर रोल ऑफ द मॉस्क एज ए कम्युनिटी सेंटर। मोहम्मद इम्तियाज कंदक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लतु वस्सलाम अला रसूल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। परमेश्वर ने सही वजह से अम्र को बोला तो हम इंसान ही कर रहे हैं। औजु बिललाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लस्तर इन अल इंसान अला फी खुसर इल्ला लजीन आमनू व अमिलु सालिहात व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मस्जिद वन मूवमेंट आप सब लोग ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे, शायद थोड़े लोग इसके प्रेजेंटेशन देखे भी होंगे, लेकिन मैं इधर प्रेजेंटेशन कम उसका जो सक्सेस स्टोरी हुआ उसका एक दो तीन सक्सेस स्टोरीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन एक दो सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इंशाल्लाह। इससे पहले ये क्यों हम लोग करने का जरूरत पड़ा, मस्जिद वन मूवमेंट क्यों करने शुरू करने का जरूरत पड़ा। एक्चुअली मेरा मातृ जबान उर्दू तो नहीं है, आप लोग थोड़ा मेरे उर्दू से सहना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अंदर अलग बहुत सारे वर्टिकल्स है, इसमें एक है मस्जिद वन मूवमेंट। ये मुल्क में मुसलमान 800 साल हुक्मरान रहे, इंडिया में गवर्निंग सिस्टम और वो एजुकेशन मास एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये है आज का सच्चाई। 18 करोड़ मुसलमानों में अकॉर्डिंग टू 2011 सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ मुसलमानों में 10.5 करोड़ मुस्लिम are living either in slums or in congested areas, छोटा छोटा area, ghettos, ऐसे area में 10.5 करोड़ मुस्लिम अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। टोटल इंडिया का 18 करोड़ मुसलमानों में साउथ इंडिया में 25.5% है, नॉर्थ इंडिया में 74.5% मुसलमान है। इसमें जो इंडिया में टोटल मिलाकर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में कुल मिलाकर 96% मुसलमान है। यानी कि हम लोग सारे इंडिया को फोकस करने की जरूरत नहीं, ये 13 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को भी फोकस कर लिए तो 96% लोग मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इंडिया का आउट ऑफ 720 डिस्ट्रिक्ट में 140 डिस्ट्रिक्ट को भी फोकस कर लिए तो भी 61% मुसलमानों को प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व एड्रेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंडिया का टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2%, आईएएस आईपीएस में 3% है, हेल्थ सेक्टर में 4.4% है, रेलवेज में 4.5% है। ये जो रेलवेज में 4.5% है उसमें 98.7% लोग लो लेवल जॉब में है, यानी कि लाइनमैन या ड्राइवर कूली पोटर ऐसे के कामों में 98.7% लोग है। ओके, और इसमें जो है पुलिस फोर्स में 6% है, मिलिट्री में हम लोग 1% भी नहीं है, लेकिन वही सिखों का टोटल पॉपुलेशन है 1.73%, लेकिन मिलिट्री में वो लोग 8% है और मिलिट्री में ऑफिसर्स लेवल पोस्ट में वो लोग 20% है। हम लोग 14% रहने के बावजूद भी हम लोग 1% नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग इंडिया के जेलों में जितने लोग हैं उसमें 20.9% लोग मुसलमान हैं, और इंडिया का जितने भी भीख मांगने वाला है इसका 25% लोग मुसलमान है। एक मैं वो शहर का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, वो एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का एक सर्वे किया गया जहाँ जिसम फरश का धंधा जो प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं उसमें 53% प्रोस्टिट्यूट्स आर मुस्लिम्स। तो ये आग नाम का क्या प्रूव करता है, जहाँ गुर्बत ज्यादा रहता है उधर क्राइम रेट ज्यादा रहता है। अफ्रीका में क्राइम रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उधर गुर्बत ज्यादा है। अगर क्राइम रेट को कम करना है तो गुर्बत को हम लोग
काम करना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरे काम नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करें, हमारा हालत तो बदलना ही चाहिए ना, हालत तो बदलना ही पड़ेगा। हालत को बदलना है तो हम लोग क्या करना है, हालत को बदलना है तो हम लोग, हमको टोटल इन ए मुल्क में 240,000 एनजीओस का जरूरत है, 227,000 स्कूल्स का जरूरत है, और आज के डेट पर 172,000 डॉक्टर्स का जरूरत है, और 6,00,000 नर्सों का जरूरत है। इंशाल्लाह 2030 होने में 282,000 डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा और 9,00,000 नर्सों का जरूरत पड़ेगा, कम से कम 5,00,000 फैमिली ट्रस्ट का जरूरत है। ये फैमिली ट्रस्ट क्या है, इसके प्रैक्टिकल मॉडल आपके सामने मैं थोड़ा देर में रखूंगा, आप भी आप सबसे गुजारिश करूंगा आप इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दीजिए इंशाल्लाह। और ज़कात सिस्टम भी इधर से आप आराम से शुरुआत कर सकते हैं इंशाल्लाह। और टीचिंग स्टाफ 22,00,000 टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, और कम से कम 1,00,00,000 पक्का वजह की जरूरत है, और लास्ट में जो है 36,000 साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, ये सबसे अहम जरूरत है। ये फील्ड में कौन भी आगे थे वही लोग ये दुनिया को लीडरशिप दिए थे, आज भी वही लोग लीडरशिप दे रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला कल में भी वही लोग लीडरशिप दे रहे हैं। ये है हमारा एक्चुअली जरूरत का चीज। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, मस्जिदों को अगर जब तक हम लोग डिसेंट्रल वाइज होकर काम नहीं करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल पर काम नहीं करेंगे, हमारा हालात बदलने वाला नहीं है। हमारे हालत को बदलना तो डिसेंट्रलाइज करें, सेंट्रलाइज काम करके करने से भी लोगों का अपना अपना काम करने के लिए लोगों को तैयार करें। चंद लोग मिल गए, ऐसे मिल गए काम करने की निकलेंगे तो कहाँ भी काम नहीं हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड में काम रियल उतारना है तो लोकल लेवल में हम लोग टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, लोकल लेवल वॉलंटियरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। ये मुल्क में एक भी भीख मांगने वाला नहीं, सही होम है, होम कौन सा है, कौन सा होम है, सिखों का होम है ना, क्यों उसमें एक भी भीख मांगने वाला नहीं, हम जानते हैं आप लोग, क्योंकि हर एक सिख जो है ना उनका गुरुद्वारे से कनेक्टेड है, और उनके गुरुद्वार के जरिए से हर चैरिटी मेजर चैरिटी काम जो भी है उनको गुरुद्वार से जरिए से होता है। हम लोग ये मस्जिद को छोड़ के बाहर हमारे पूरे एक्टिविटीज करने शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली मस्जिद की अहमियत कम होने शुरू हो गया। देखिए एनजीओ से अलग जो भी इदारा रहेगा, हमको ये मुल्क में 150 साल पुराना एनजीओ हमको नहीं मिलेगा, हमारा लाइफ टाइम तक एक एनजीओ चलेगा, हम लोग इंतकाल होते हैं वो एनजीओ मर जाएगा, जो उसके ड्राइविंग फोर्स रहते हैं वो लोग भी इंतकाल होते ही वो मर जाएगा। अगर कैडर बेस्ड है, मेंबर बेस्ड है, 100 साल तक चलेगा, उसमें दो तीन चीर चार पीस अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे, लेकिन आपको 1,000 साल पुराना मस्जिदें मिलेगा, आगे जाके फिर भी 1,000 साल तक वो मस्जिद रहेंगे। अगर लॉन्ग रन तक हम लोग सोचना है तो ये मस्जिद को एक्टिव, मस्जिद को जो मस्जिद नबवी का मॉडल है वो मॉडल पे हम लोग लेके आने के लिए कोशिश करना जरूरी है। तो हम लोग इसके लिए अलग अलग सर्वे के जो ये सब मेथोडोलॉजी ऑलरेडी सुबह में थोड़ा लोग आपको बोल दिए उसका बारे में मैं इसके लिए नहीं जानना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के स्कीम से मोर देन 40-50,000 करोड़ रुपए रखा जाता है माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, मैक्सिमम पैसा रिटर्न चला जाता है, ये पूरा हमारा ही पैसा है। और इसके लिए देखिए हम लोग इसमें 4-5 सक्सेस स्टोरीज मैं आपके सामने रखना चाहूँ। एक देखिए हम लोग हमारे टोटल एक 40 एक्टिविटीज हम लोग आइडेंटिफाई किए जहाँ हम लोग मस्जिद के जरिए से कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटीज हम लोग क्लस्टर वाइज मस्जिदों का क्लस्टर्स बनाते हैं, 10-10 मस्जिदों को ग्रुप बनाते हैं, ओके, और एक ही छोटा मस्जिद जो है एक प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए 10-10 मस्जिदों को ग्रुप बना के ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ये जैसे आपके सामने दिख रहा है ये प्रैक्टिकल मैसूर में हम लोग किए, 10 मस्जिदों के साथ में आ गए, एक हॉस्पिटल कायम कर, अल्हम्दुलिल्लाह आज साल तकरीबन एक साल में नियरली 50,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये हॉस्पिटल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चल रहा है और नॉमिनल कॉस्ट पे चल रहा है। और ये सब कौन चला रहा है, हम लोग जिसके बारे में बोल रहे थे ना, उधर मस्जिद को कमिटी में चलाने वाले बुजदिल लोग हैं, जाहिल लोग ऐसे सब बोलते हैं, वैसे ये लोग चला रहे याद रखिए, और इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से सब लोग अच्छा डेडिकेटेड इस पे काम कर रहे हैं, पूरा डॉक्टर्स की टीम इसमें इन्वॉल्व है, और जिधर भी बाहर के हॉस्पिटल में जहाँ मेटर्निटी इसके लिए एक केस के 30,000-40,000 रुपये उधर बिल होता है, तो हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 रुपये बिल होता है, इसे नॉमिनल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट किया जाता है और बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलता है। इसके साथ ही साथ और एक हम लोग एक इसमें 40 एक्टिविटीज है, इसमें मैं 2 एक्टिविटीज के बारे में आपके सामने रखूंगा। एक के फैमिली ट्रस्ट फॉर्मेशन, मैं इसे पहले बोला हमको फैमिली ट्रस्ट की बहुत जरूरत है, हम लोग ये प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं, कितना अच्छे से ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बोलो स्टार्टिंग में ये क्या होता है, हमारा दादा दादी या नाना नानी के नाम पे ये फैमिली ट्रस्ट या खानदान कमेटी रहता है, खानदान कमेटी भी आप इसे कॉल कर सकते हैं, इसे रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं, अगर करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है, बाई डिफॉल्ट उनका दादा दादी का या नाना नानी के बच्चे पोते परपोते सब लोग उसके बाई डिफॉल्ट मेंबर रहेंगे। एक फैमिली ट्रस्ट में मिनिमम आपको 200 लोग मिल जाएंगे, मैक्सिमम 2,000-3,000 लोग भी वैसा एक भी ट्रस्ट बन गए। हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ज़कात का पैसा सदका का पैसा फर्स्ट उधर लाते हैं। हम लोग फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सिला रहमी और रुकू की लिबाद का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल है। इससे बेस्ट मॉडल आपको मिल ही नहीं सकता। अल्लाह सुबहान व तआला कल हमारे साथ ये नहीं पूछेगा तुम 50 किलोमीटर दूर कर लो आदमियों को क्यों मदद नहीं किया, या 500 किलोमीटर के दूर का आदमी को क्यों मदद नहीं किया, वो कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन जरूर ये पूछेगा तुम्हारे खास ब्लड रिलेशन में, तुम्हारे खास रिश्तेदारों में, तुम्हारे नेबर में इतने लोग जरूरतमंद के लोग थे, तुम उनको छोड़ के दूसरों को क्यों दिया। तुम्हारा जरूरतमंद के लोग डबल स्वभाव है इसमें। हम लोग वो डबल स्वभाव स्वभाव कमाने के छोड़ के हम लोग दूसरे इसके लिए दूर के इसके लिए चला जाते हैं। ज़कात का सिस्टम जैसे इससे पहले अब्दुल जबर सिद्दीकी साहब ने बोला, लोकली कलेक्ट होता है, लोकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके लिए इससे बेहतर मॉडल आपके सामने आ ही नहीं सकते। और इसमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहता है। जब हम लोग आपके जेब का पैसा मेरे जेब का आने का प्लान करेंगे ना, लोग डाउट करने शुरू कर देते हैं। इसके हम लोग उनके पैसे उन्होंने मैनेज करने के लिए उनका आइडिया दे दिया, तो वो लोग इंशाल्लाह थोड़ा अच्छे तरीके से उसे आगे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। यह इसका ऐसा है। वैसे बैतुल माल बहुत ज्यादा जगह में बैतुल माल कायम किया गया, और उसके साथ और एक काम हम लोग एक किए हैं। देखिये, ये काम सक्सेस होना है तो ये चार लोगों के जरूरत है, उलमास, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशन। ये चार लोग, एक गाड़ी के चार टायर है, और मस्जिद के कमेटी वाले जो है ना इसके इंजन के प्लेस में रहेंगे, और तभी जाके काम, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ही काम होएगा, नहीं तो काम हमेशा उधर के उधर ही बाकी रहेगा। कोई एक आदमी को छोड़े तो भी ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग चाहिए, सब लोगों का साथ में लेके काम लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और एक हम लोग एक देखिये, ये है मस्जिद एजुकेशन सपोर्ट फंड। ये एक सिस्टम हम लोग क्रिएट किया, ये हर मस्जिद में एक बॉक्स रखते हैं हम लोग। एक गौर से सुनिए, ये बॉक्स रखते हैं, ये बॉक्स में क्या होता है, हम लोग लोगों उनको बोलते हैं इसमें एजुकेशन सपोर्ट करिए। आपका मोहल्ला का हर मस्जिद वाले मिनिमम सालाना 5 बच्चों को तो भी एजुकेशनल सपोर्ट कीजिए। ये स्कॉलरशिप नहीं है, आफ्टर देयर स्टडीज दे हैव टू रीपे इट। नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद में, पढ़ाई होने के बाद, जॉब की ज्वाइन होने के बाद 3 ईयर्स के बाद में दे हैव टू रीपे इट, ताकि वो पैसे दूसरों को भी मदद पे आ जाए। और वो बच्चों के पास ऐसा भी कमिटमेंट लिया जाता है, वीकली 3-4 आवर्स दे हैव टू टीच उनके जूनियर छोटे छोटे बच्चों को, वो मोहल्ले के बच्चों को टीचिंग भी करना है, वो कमिटमेंट लिया जाता है। ये वोंट बिलीव, जिधर भी हम लोग ये बॉक्स रखे हैं ना, और ये पूरा पैसा जो है ना मस्जिद का कमेटी के हाथ में ही रहेगा, हमारा हम 1 रुपये उसमें नहीं ले रहे, वो उनका हाथ में ही रहेगा। वो लोग अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट, मोहल्ले के बच्चों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो जो मोहल्ले के बच्चे लोन लिए हैं वो रीपे भी वो मस्जिद को ही करेंगे, ताकि वही उधर का उधर ही पूरा उनका कंट्रोल में ही हर चीज रहेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सालाना 5 बच्चों का हो जाएगा, बोले हो जाएगा बोलकर, लेकिन यू वोंट बिलीव मी, एक एक महीने में ही 5-5 बच्चों को होने लगा। ताकि इसमें हम लोग मोटिवेट करते लोगों को, देखिए ये इसमें गरीब हमेशा है ना पैसे लगाना है, और अमीर वक्त निकालना है। जब तक हमारा होम में गरीब पैसा नहीं डालता है और अमीर वक्त निकालता नहीं है, तब तक ये होम में बदलाव तब्दीली आ ही नहीं सकता। अमीर के लिए वैल्यूएबल क्या है, क्या है अमीर के वैल्यू, अमीर के लिए वैल्यूएबल, अमीर के लिए वैल्यूएबल है टाइम, और गरीब के लिए वैल्यूएबल क्या है, गरीब गरीब के लिए वैल्यूएबल है पैसा। हम लोग जब तक हमारा वैल्यूएबल चीज अल्लाह को नहीं देंगे, अल्लाह का मदद क्यों आना चाहिए, क्यों आएगा बोलिए। हमारे वैल्यूएबल चीज हम अल्लाह को देते नहीं है। एक बार हमारा वैल्यूएबल चीज हम लोग देंगे ना, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अमीर जब अपना टाइम देना शुरू कर देगा, अपना पूरा माल लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगर टाइम देने के लिए तैयार नहीं है तो माल कितना है, इवन 2% भी नहीं देगा। देखिए, हम लोग 2.5% के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्रिश्चियन सॉरी सिखों का इसमें एक सिस्टम है, दसवंत, इसे कहते हैं दसवंत। दसवंत यानी कि उनके इनकम का 10% जो है ना वो लोग चैरिटी एक्टिविटीज के लिए रखते हैं। ओके, कादी यानी 16% रखते हैं, और यहूदी लोग 20% रखते हैं, तब भी जाके काम बनता है। हम लोग जब तक देखिए, ये ज़कात के पैसे के साथ साथ ही साथ उससे भी ज्यादा हम लोग सदके के पैसे में चैरिटी के काम शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक भी अल्लाह का मदद नहीं आएगा। ज़कात तो अल्लाह का पैसा है, अल्लाह बोला किसे देना है, क्लियरली ही मेंशन हम लोग उनको दे रहे हैं, और बाकी के 97.5% में हम लोग पैसा नहीं लगाएंगे ना, तब भी अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगा। हम लोग इसके बारे में वेरी सीरियसली सोचे, ताकि हम लोग इसे आवाम तक, मास तक कैसे लेके जाए। देखिए, हमारे साथ काम करने के लिए
लास्ट स्लाइड है इंशाल्लाह, सिर्फ एक से दो साल बचा है, याद रखिए हमारे सामने काम करने के लिए सिर्फ एक से दो साल बचा है, और ये एक से दो साल के अंदर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये मुल्क का नया दलित बन जाएंगे, नहीं तो उससे भी नीचे चला जाएंगे। एक बार उससे भी नीचे चला जाएंगे ना, उससे बाहर आने के लिए कम से कम हम लोगों को 500 इयर्स 500 साल का जरूरत पड़ेगा। क्यों 500 इयर्स? इंडिया के जैसे स्पेन में भी हम लोग 800 साल हुक्मरान रहे, 1492 में उधर इस्लाम तबाह हो गया था, उसके बाद में फर्स्ट मस्जिद हुआ 1993 मार्च 5th, एग्जैक्टली 500 इयर्स के बाद। थोड़ा सोचिए, थोड़े घंटे के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने के बाद, थोड़े साल के बाद हम लोग ये दुनिया छोड़ के चला जाएंगे। आने वाला हमारा बच्चे, प्यारे बच्चे, उससे भी प्यारा हमारा पोते, इधर अल्लाह को सजदा करने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर गुर्बत में रहेगा नो प्रॉब्लम, अनएजुकेटेड रहेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह को सजदा करने वाला नहीं है तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, है ना? ईमान ही नहीं है तो बहुत सीरियस मैटर है। इस तरह की इनसिक्योरिटी इज ऑलवेज गुड, जितना ज्यादा खौफ रहेगा वो अच्छा ही है। हमारे से भी ज्यादा खौफ में हिटलर के जमाने में यहूदी लोग थे, चंद यहूदी लोग ऐसे ही कमरे के अंदर इकट्ठा हुए और तय करके उठे हम लोग ऐसे मिट जाने के लिए नहीं आए। आज सारे दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? यहूदी लोग ही कर रहे हैं ना। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही आज से 830 साल पहले पूरा मुसलमानों को इकट्ठा किए, उसे तब तक वो आपस में लड़ रहे थे, उनको फर्स्ट इकट्ठा किए, विद इन दो साल के अंदर बैतुल मुकद्दिस फतह हो गया, विद इन दो साल के अंदर। ओके, ऐसे हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हर मस्जिद को हम लोग जिंदा करना पड़ेगा, हम लोग वही मॉडल को लेके जाना पड़ेगा, और हर एक वॉलंटियर लोकल लेवल पे काम करने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो। और गरीब को जब तक पैसे इसमें नहीं लगेगा ना, देखिए साहब, अजीम प्रेम जी का 1000 करोड़ रुपया भी एक गरीब 1000 रुपये देने के दो भी बराबर है। शायद अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने गरीब का ये 1000 रुपये है ना ज्यादा वैल्यूएबल रह सकते हैं। क्यों? गरीब का 1000 रुपये में बच्चों का दूध का पैसा है, बच्चों का रेशन का पैसा है, माँ का पैसा है, माँ का दवा का पैसा रहता है, लेकिन अजीम प्रेम जी का 1000 करोड़ रुपए में खाना का पैसा नहीं, उनका खाने का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए ज्यादातर शायद गरीब का पैसा रहे। जब तक गरीब का पैसा हमारा एक्टिविटीज में नहीं लगता हो, इसलिए गरीब का एहसास दिलाए, आपका 1 रुपया भी अमीर का 1000, अमीर के 10000 रुपये से भी वैल्यूएबल। आप 1 रुपया तो 1 रुपया डाले, वो खजूर जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर रखे थे, वो उसका वैल्यू उनको समझाइए, तभी जाके इंशाल्लाह हमारे इसमें बदलाव आएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके पहले हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह। एफर्ट हमारा रहेगा, रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह के तरफ से आएंगे, रिजल्ट उसी दिन आएगा जिस दिन अल्लाह चाहेंगे। हमारे चाहने से और ना चाहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। देखिए हजारों मस्जिदों में हम लोग रीच आउट हुए, मोर देन 300-400 मस्जिद में एक्टिव काम भी शुरू हो गए, अलग 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 लेवल पर काम शुरू हो गए। अगर हम लोग एक काम में सक्सेस हो गया था ना, हम लोग हमारा प्लानिंग ये भी है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मस्जिद मूवमेंट को हम लोग क्लोज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये लाइफ लॉन्ग हमको कोई तंजीम इधर बिल्ड करने का प्लान नहीं है। ये मुल्क में कौन सा भी तंजीम हमेशा वक्त के जरूरत के मुताबिक कायम होता है, और वक्त हालत के मुताबिक कायम होता है, और हालत हमेशा बदलते रहता है। इसलिए हम लोग ये 3 साल के अंदर ये मस्जिद मूवमेंट को क्लोज करना चाहते हैं। इससे पहले हर मस्जिदों को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके आएंगे, उनके सेल्फ अपना अपना काम करने के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। अरे सारे मुल्क में इवन 20,000 मस्जिदों भी नेक्स्ट 3 इयर्स में हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, अपने आप हर चीज वही लोग एक एक दूसरों को कॉपी करके काम करने आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अब सब लोग मिलके साथ में कदम आगे बढ़ाएंगे। हर प्रॉब्लम मुसलमान को जो भी प्रॉब्लम है, इसके जरिए से हम लोग इंशाअल्लाह सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहम्मद इम्तियाज कंदक साहब। एक दो अनाउंसमेंट करनी थी, इसके बाद ब्रेक में या वैसे भी पीछे इसके बैक साइड पर कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं ताकि आप लोग उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको देख सकते हैं। तो अभी जब ब्रेक होगा तो टाइम मिलते के साथ आप घूमते हुए उधर जा सकते हैं। इसके अलावा शाहीन ने एक AICU सिस्टम स्टार्ट किया है, जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या फिर कभी हाफिज बच्चे होते हैं जो कि बीच में पढ़ाई में गैप हो जाता है, उनको रेगुलर पढ़ाई में कैसे लाया जाए, उसका एक टीचिंग का मॉडल शाहीन ने तैयार किया है।
इसको हम लोग एकेडमिक आईसीयू या एआईसीयू कहते हैं। एआईसीयू क्लासेस कैसे वर्क करती हैं उसके लिए एक स्टॉल बाहर में लगा हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहें किस तरह से हम लोग वहां पे क्लास लेते हैं तो बाहर वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। कदीर सर से रिक्वेस्ट है कि सभी जो स्पीकर्स यहाँ पर हैं उनको गिफ्ट प्रेजेंट करें, अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब को, सलमान असद साहब को। डॉक्टर ए आर अगवान साहब को, मिस्टर अकरमुल जब्बार खान साहब को, मिस मोहम्मद इम्तियाज कंदक साहब को, हमारा जो इसके 10 मिनट के बाद नमाज है मस्जिद में, जल्दी से असर की नमाज के लिए हम लोग ब्रेक करेंगे। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद हमारा आज का इवनिंग सेशन स्टार्ट होगा, वो सेशन जो है 6:30 PM पर स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग इस सेशन को अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग।